नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता दक्षिणकाली की पूजा किस तरीके से करेंगे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सी विधियां हैं, वैदिक पद्धति से है, तांत्रिक पद्धति से है, वाम मार्ग से है, अघोर मार्ग से है। कहने का मतलब है कि अलग अलग पद्धतियों से माता की आराधना पूजा की जाती है, लेकिन बहुत सामान्य पद्धति बताने जा रहा हूँ जो प्रयोग एक गृहस्थ इंसान, एक संसारिक व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। वो सामान्य सी विधि है लेकिन बहुत अचूक है। माता काली की साधना उन लोगों को करना चाहिए जो अपनी अहमियत नहीं करवा पाते, जिनको लोग पसंद नहीं करते, लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, उनके अपने भी उनसे पराये हो जाते हैं और रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, कोई उनको मदद नहीं करता, कोई उनको पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को इनकी साधना करनी चाहिए। इसके अलावा शत्रु, तंत्र बाधा या नकारात्मक जो वस्तुएं हैं, नकारात्मक चीजें हैं, बहुत परेशान करती हैं, तब काली की साधना करनी चाहिए, दक्षिण काली की साधना करनी चाहिए। दक्षिण काली की साधना के लिए क्या करना चाहिए? 11 काली बीज का मतलब है काली चिरमी के दाने। 11 काली चिरमी के दाने आप ले लें। आपको पता है इसको रत्ती भी कहते हैं, चिरमी बीड, रत्ती, ऐसे इसके नाम है। और ये काली चिरमी के जो दाने हैं, माता काली भगवान कृष्ण को, कामदेव को बहुत पसंद माने जाते हैं। तो 11 काली चिरमी के दाने आप ले लें छोटी सी कटोरी में और उसको अपने सामने रखें। और आपके दिमाग में जो भी पर्पज हैं, याद रखिए कोई खास पर्पज होना चाहिए कि ये व्यक्ति बार बार मुझे शादी के लिए मना कर रहा है, या ये मेरा पार्टनर दूर हो रहा है, या ये नौकरी मुझे मिलनी बहुत जरूरी है, या ये कार्य मेरे लिए होना बहुत जरूरी है, जीवन मरण का प्रश्न है, इस तरह की भावना अगर मन में है तो वो विचार अपने मन में करके, यानी एक मनोकामना के लिए वो साधना की जाती है। तो 11 चिरमी के दाने कटोरी में रखकर आप सामने बैठ जाइए। सामने बैठने के बाद सेम तरीके से आपको मुंड मुद्रा लगानी है। आपको पता है मुंड मुद्रा, इस तरीके से ये इस तरीके से लगाएंगे। आद्य चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें और फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम किया तो आपका अभ्यास खत्म हो गया। इसके बाद ओम दक्षिण काल के क्रीम स्वाहा, ओम दक्षिण काली 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 के क्रीम स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से कह रहा हूँ, ओम दक्षिण काली के क्रीम स्वाहा, ओम दक्षिण काली के क्रीम स्वाहा। ये मंत्र का आपको जाप करना है, 20-22 मिनट तक जाप करें और ये 11 दिन का प्रयोग है। किसी भी ग्रहण, अमावस्या, शनिवार से ये मंत्र 11 दिन के लिए करें। सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, और उसके बाद जो 11 काली चिरमी के दाने हैं, एक काले कपड़े में बंद करके सी के उसको अपने पास रखें। कोई भी खास कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, उसको अपने पर्स में, अपने जेब में रख कर जाएं और देखिए एक चमत्कारिक अनुभव मिलेगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे। कौन कर सकता है? स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं, 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। पति पत्नी करेंगे और भी बेनिफिट मिलेगा, या कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर कर सकता है। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। धन्यवाद।